हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको कवक रोग यानी फंगल डिजीज, जो संक्रामक रोग के अंतर्गत आता है, इसको याद करने का आसान सा ट्रिक बताऊंगी जो आपको जिंदगी भर याद रहेगा। दोस्तों, छोटा सा वीडियो है, बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि ये रोग किससे फैलने वाला है, जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ। तो इस चीज को आपको समझना वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं पहले वीडियो में जीवाणु जनित रोगों का ट्रिक, दूसरे वीडियो में विषाणु जनित रोगों का ट्रिक, ये तीसरा वीडियो है जिसमें फंगल डिजीज यानी कवक जनित रोगों का ट्रिक बता रही हूँ। दोस्तों, यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल पे सभी वीडियो सिलेबस के अकॉर्डिंग है। 100 से ज्यादा वीडियो प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज क्वेश्चन के हैं एंड चैप्टर वाइज एमसीक्यूज का प्रैक्टिस भी कराया जा रहा है। तो बने रहिए मेरे चैनल पे अच्छी तैयारी के लिए। फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कवक रोग यानी फंगल डिजीज क्या है। जैसा कि दोस्तों, फंगल जीवाणु विषाणु कवक प्रोटोजोआ होते क्या है, इसका एक से अलग वीडियो बनाई हूं, उस वीडियो को आप जाकर के देख सकते हैं इस जानकारी के लिए। इसमें बस वही चीज बताऊंगी कि फंगल डिजीज कौन कौन से हैं। जैसा कि दोस्तों, संक्रामक रोग जो होता है वह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, एक जंतु से दूसरे जंतु तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से फैलते हैं। यह रोग, संक्रामक रोग, जीवाणु विषाणु कवक प्रोटोजोआ जैसे सूक्ष्म जीव के माध्यम से, वातावरण के माध्यम से, जैसे हवा, धूल, मिट्टी, पानी, भोजन या सीधे संपर्क आदि के कारण फैलते हैं। तो इसमें मैं जीवाणु विषाणु से फैलने वाले रोग के बारे में बता चुकी हूँ, फंगल डिजीज के बारे में बताती हूँ। दोस्तों, इसका फंगल डिजीज यानी कवक जनित रोग को याद करने का ट्रिक है, गंजा दमाद खाए 6 फुट। क्या ट्रिक है? गंजा दमाद खाए 6 फुट, ठीक, गंजा दमाद खाए 6 फुट। तो दोस्तों, गंजा दमाद खाए 6 फुट, 3-4 बार कॉफी में लिख लीजिए, आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। तो गंजा से होगा आपका गंजापन, जिसके सिर में बाल नहीं होते हैं, ठीक, उसको गंजापन कहते हैं, गंजापन, ब्लडनेस। और दोस्तों, इसके कवक का नाम है टिनिया कैपिटस। और यह किस अंग को प्रभावित करता है? हमारे सिर की ग्रंथि को प्रभावित करता है। एंड दमाद में दमा से होता है दमा, जिसे अस्थमा बोला जाता है, जिसे क्या बोला जाता है? अस्थमा बोला जाता है। यह किस कवक यानी फंगल के द्वारा फैलता है? एस्परलीजस फ्यूमीमेटस। इसके कवक का नाम है एस्परलीजस फ्यूमीमेटस। और किस अंग को प्रभावित करता है? दोस्तों, ये हमारे फेफड़ों को प्रभावित करता है। एंड दमाद में द से है आपका दाद यानी रिंग वार्म। यह किस फंगल से होता है? माइक्रो स्पर मलेन पेंशन या ट्राइकोफाइटान जैसे फंगल से फैलता है। यह किसको प्रभावित करता है? हमारे त्वचा पे जैसे गोल गोल चकते जैसे बन जाते हैं दाद यानी कि रिंगवार में। एंड खाए शब्द यहाँ पे साइलेंट है, 6 से होगा छाले, जिसे थ्रस्ट कहते हैं। यह किस फंगल से फैलता है? एस्परलीजस फ्लेक्स या रो फ्यूमीगेट्स फंगल से फैलता है। यह किसको प्रभावित करता है? दोस्तों, छाले, जैसे ज्यादातर देखते होंगे कि आपके मुंह में छाले होता है, गले में छाले होता है, तो यह हमारे गला व मुंह को प्रभावित करता है। एंड फुट से आपका होगा एथलीट फुट, जिसे हाथी पांव कहते हैं, ठीक है, जिसे हाथी पांव कहते हैं। यह किस कवक यानी फंगल से फैलता है? ट्राइकोफाटोनी। किससे फैलता है? ट्राइकोफाटोनी। यह हमारे पैर को प्रभावित करता है, हमारा पैर जो है सूज कर हाथी के जैसा मोटा हो जाता है, इसीलिए इसका नाम है एथलीट फुट या हाथी पांव, ठीक है। तो दोस्तों, ये था कवक जनित यानी फंगल डिजीज से होने वाले रोग, जो आपको ट्रिक्स के माध्यम से बताई हूँ। एंड दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में परजीवी यानी प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों के ट्रिक बताऊंगी, जो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार आपको
जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ जनित सभी रोगों को एक जगह याद करने का आसान सा ट्रिक मिल जाएगा। तो दोस्तों, यदि आप फिजिकल एजुकेशन का तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल पे डेली बेसिस से बने रहिए दोस्तों, जिससे आपको सिलेबस पूरा कवर हो जाएगा। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप कोई भी चैनल आपको नहीं पढ़ा रहा है। तो दोस्तों, यदि आप सही तरीके से सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल को जरूर विजिट कीजिए, डेली बेसिस पे देखिए, सभी वीडियोज को देखिए, जिससे जब आप देखेंगे तब आपको विश्वास होगा, जिससे आपकी एक बेहतरीन तैयारी होगी। तो दोस्तों, इस चैप्टर को पूरा करने के बाद स्वास्थ्य, हेल्थ एंड डिजीज वाला, उसके बाद इसके सभी EMCQs को मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा करूंगी। तो दोस्तों, फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।